करते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे लोगों के लिए ये बेहद ही जरूरी खबर है, क्योंकि जल्द ही आपको ट्विटर, फेसबुक, गूगल समेत कई प्लेटफॉर्म के नियमों में बदलाव नजर आएंगे। दरअसल सरकार सोशल मीडिया के लिए आईटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, सोशल मीडिया पर क्या पहरा लगने वाला है? जी बिल्कुल, सरकार सोशल मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार बनाने के लिए कवायद कर चुकी है और इसके लिए सरकार आईटी नियमों में कर रही है बड़ा बदलाव। आज उसके लिए एक बड़ी पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग भी रखी गई है मीटिंग में, यानी कि सरकार जो सोशल मीडिया है उसको जिम्मेदार बनाने के लिए उसको किस तरह से वो भारतीय कानून को फॉलो करे और किस तरह से जो उस पर पोस्ट हों उसको लेकर कंपनियां जिम्मेदार हों, इसके लिए काम कर रही है। और साथ ही साथ यूजर्स को और ज्यादा अधिकार किस तरह से दिया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट जो सोशल मीडिया में पड़ा है उसको लेकर यूजर शिकायत करता है लेकिन कंपनी के लिए अनदेखी करती है, उस अनदेखी से बचने के लिए साथ ही साथ जो यूजर है उसको उसकी जो ग्रीवांसेस है उसको टाइम बाउंड में तरीके से पूरा करने के लिए कंपनियों को जिम्मेदार बनाया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि जो नए नियम सरकार के हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी कंप्लेंट पे, किसी भी पोस्ट पे अगर किसी ने एतराज जताया है तो 7 दिन के अंदर उसकी सारी ग्रीवांसेस को दूर करना है। और सबसे पहली बात तो ये कि पोस्ट पर रिएक्शन के साथ ही आपको 72 घंटे के भीतर हर तरह के प्लेटफॉर्म से वो पोस्ट और उसके जो रिलेटेड कंटेंट से वो हटाने होंगे। इसके अलावा 15 दिनों में उससे जो रिलेटेड सारे ग्रीवांसेस हैं वो दूर करने होंगे। साथ ही साथ 1 महीने के भीतर उससे रिलेटेड अगर कोई अगर क्वेरी आती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होगा। इसके साथ ही जो कंपनी है उसको देश में अपना एक डेटा सेंटर बनाना होगा, एक ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही सरकार के जो नियम है उनको पूरी तरीके से पालन करना होगा। अगर हम ये कहें कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ती है तो उसको लेकर एक बड़ी लंबी कहानी है। पीछे अगर देखते हैं तो किसान आंदोलन से कई बार ऐसा होता था कि भारत सरकार जो नियम बना रही है या उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट करने में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी और सरकार का बार बार यही कहना था कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट जो सरकार की कानून, सरकार के नियम या सरकार के या देश की जो परिस्थिति है, देश की जो इमेज है उसको खराब करने वाला जो कंटेंट है वो आपको नहीं दिखाना है। लेकिन कंपनियां ये बोलकर कि ऐसा कुछ हमारे कानून के हिसाब से नहीं है और चूंकि हम इंटरमीडियरी हैं, हम आपके देश की कंपनी नहीं है, आपके देश में रजिस्टर नहीं है, ऐसे में हम उन कानून को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो सरकार इस नियम में इंटरमीडिएटरी की जो परिभाषा है वो बदल के उनको किस तरह से वो भारत का कानून फॉलो करेंगे इसको लेकर बाध्य करेगी। जी